बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण नामक पाठ पढ़ेंगे। आज के पाठ में हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे: तत्वों का वर्गीकरण, विभिन्न वैज्ञानिकों के सिद्धांत, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी की उपलब्धियां, आधुनिक आवर्त सारणी, पाठ के प्रश्न उत्तर। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। परंतु बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे तैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरम्भ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। आइए बच्चों, अब हम तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक स्थान दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया। जैसे तैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबेरायनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डॉबेरायनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39.0 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? बच्चों, नीचे दी गई सारणी में तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डॉबेरायनर त्रिक बनाता है? आइए बच्चों, अब हम J.W. डॉबेरायनर के बारे में विस्तार से पढ़ें। इनका पूरा नाम जोहान वुल्फगांग डॉबेरायनर 1780 से 1849 तक इनका जीवन काल था। इन्होंने जर्मनी के म्यूचबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। आइए न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में पढ़ें। डॉबेरायनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व
हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसको तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड्स के अष्टक के मूल रूप का एक भाग सारणी में दिया गया है। बच्चों, क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों का ऐसे उपयोग करते हैं, डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। सुर के स्केल पूर्ण टोन और अर्ध टोन आवृत्ति अंतराल से अलग किए होते हैं। इन सुरों का उपयोग कर कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। अपनी सारणी में इस तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकल एक साथ में हैं तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, यद्यपि इसके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। आइए बच्चों, वैज्ञानिकों के प्रयासों को पढ़ने के क्रम में अब हम मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज की जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डोमिनिन इवानोविच मेंडेलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडेलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसीलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर इन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप यानी समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। मेंडेलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था।
अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी माँ के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने माँ को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ, इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रॉइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा उसके ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया है। आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसीलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, सारणी में निकेल, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, पहले है। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में से पहले आने वाले तत्व के नाम में ए का उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः ए का बोरान, ए का एल्यूमिनियम तथा ए का सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीफ द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को सारणी सूचीबद्ध किया गया है। इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन एवं आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसीलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई होती है। आइए बच्चों अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्षार धातुओं एवं हैलोजन कुल की समानता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उचित स्थान पर रखिए। हाइड्रोजन को किस समूह एवं आवर्त में रखना चाहिए?
क्लोरीन के समस्थानिक क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 पर विचार कीजिए। उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण क्या आप उन्हें अलग अलग रखेंगे? यह रासायनिक गुणधर्म समान होने के कारण आप दोनों एक को एक ही स्थान पर रखेंगे। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलिफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक पढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट एवं निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान कैसे सुनिश्चित किया गया है? क्या 1.5 परमाणु संख्या वाले किसी भी तत्व को हाइड्रोजन एवं हीलियम के मध्य रखा जा सकता है? आपके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए? आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलिफ की आवर्त सारणी के तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वस्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। आइए यहाँ जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। समूह एक के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक हैं? आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? आइए एक क्रियाकलाप करें। यदि आप आवर्त सारणी के आधुनिक रूप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तथा नियॉन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है? क्या इनके कोशों की संख्या समान? आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आप ये भी देखेंगे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं ऑर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K, L एवं M कोशों में स्थित हैं।
इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक अवर दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया। पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। अब जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे k कोश -2 × 1² = 2। प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं। L कोश 2 × 2² = 8। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें एवं सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 होती है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनके रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित अबंध के रूप में प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलिफ ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र का आधार बनाया था? वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है? आइए बच्चों, एक क्रियाकलाप करते हैं। संयोजकता। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे? परमाणु संख्या 2 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 6 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है? इसी प्रकार पहले 20 तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कीजिए। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है? परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर, जहां 1 पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर है। आइए इस समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की विभिन्नता का अध्ययन करें। दूसरे आवर्त के तत्वों के परमाणु त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। दूसरे आवर्त के तत्व बोरान, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन। परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर 88, 111, 66, 74, 152, 77। इन्हें परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित है? किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है एवं किसका सबसे छोटा है? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बढ़ती है? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम समूह के तत्व सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम। परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर 186, 152, 244, 262, 231। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा तथा किसका सबसे बड़ा है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसा परिवर्तन होगा? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इसे नाभिक तथा उससे सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। तीसरे आवर्त के तत्वों की जांच कर उन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए।
सारणी के किस और धातुएं स्थित हैं? सारणी के किस और अधातुएं स्थित हैं? सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी धातु अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ये अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत धनात्मक होते हैं। समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? आवर्त में यह प्रवृत्ति किस कैसे बदलेगी? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी? बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न एक, वर्तमान आवर्त सारणी में कितने तत्व सम्मिलित हैं? प्रश्न दो, आवर्त सारणी में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? प्रश्न तीन, आवर्त सारणी में कितने कक्ष होते हैं? प्रश्न चार, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? प्रश्न पाँच, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर क्या होता है? बच्चों, यह रहे उत्तर। उत्तर एक, वर्तमान आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व सम्मिलित हैं। उत्तर दो, आवर्त सारणी में सबसे प्रतिक्रियाशील धातु फ्रांसियम है। उत्तर तीन, आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। उत्तर चार, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और कोई अन्य प्राकृतिक पदार्थ इसे खींच नहीं सकता। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। उत्तर पाँच, ए, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, अतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्याग करने की क्षमता घटती जाती है, ना कि बढ़ती है। अतः विकल्प सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, का कथन असत्य है। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।